फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिंपल रेसिपीज। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ खस्ता मटर चाट की रेसिपी। इसको आप चाहें तो बहुत कम मिर्ची का भी बना सकते हैं और चाहें तो बहुत चटपटा भी बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप इस रेसिपी को समझने के लिए पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, तभी मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चाट को बनाने के लिए हमको एक कप सूखी वाली मटर ले लेना है। मटर को मैंने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था, ये अच्छे से फूल गई है। अब मैंने इसको कुकर में ले लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। तो यहाँ पर मैं 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक। और बस अब हम कुकर का ढक्कन लगाकर इसको फ्लेम पर रख देते हैं 2 सीटी आने के लिए, ताकि मटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो 2 सीटी आ चुकी हैं, कुकर को हम ठंडा होने देंगे और अब हम तैयार करेंगे खस्ता। तो खस्ता बनाने के लिए मैंने एक बोल में 1.5 कप मैदा ले लिया है। मैदे को छान लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1/2 टीस्पून अजवाइन को हम क्रश करके डाल देंगे और 3 टेबलस्पून के लगभग हम इसमें ऑयल डाल देंगे, ताकि जो हमारा खस्ता बनेगा वो बहुत अच्छे से क्रिस्पी और खस्ता बने। तो हम मिक्स कर देते हैं, बस जस्ट हल्का सा बाइंड होने लग जाए, इतना हमको मौन रखना है, बहुत ज़्यादा मौन नहीं डालना है। और बस हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैदे को बाइंड कर लेंगे, ना ज़्यादा कड़क और ना ज़्यादा ही गीला, बिल्कुल हम पूड़ी के जैसा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बस मैदे को हमने बाइंड कर लिया है। अब हम मैदे को ढककर रख देते हैं 10 मिनट के लिए, ताकि ये फूल जाए। उसके बाद हम इसके खस्ता बनाना स्टार्ट करेंगे और 10 मिनट बाद हम मैदे को एक बार फिर से थोड़ा सा स्मूथ बना लेंगे। और फिर हम एक बड़े नींबू के साइज़ की लोई तोड़ लेंगे और अब हम इसको रोटी से बिल्कुल थोड़ा सा मोटा रोल कर लेंगे। इसको बेलने के लिए कोई घी या फिर सूखे मैदे की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत अच्छे से रोल हो जाएगा। तो बस बेलने के बाद हम क्या करेंगे, एक नाइफ़ ले लेंगे और नाइफ़ की हेल्प से हम थोड़ा सा ऊपर का पोर्शन छोड़ के और थोड़ा सा नीचे का पोर्शन छोड़ के बीच बीच में इस तरह से कट लगा लेंगे। इस तरह से हम नीचे का पोर्शन पकड़ के और प्लेट्स डालते हुए इसको इकट्ठा कर देंगे और ऐसे चिपका देंगे इस तरह से, और दूसरे साइड से भी ऐसा ही कर लेंगे। और इस तरह से कट लगाने के बाद तो ये खस्ता हमने बेल लिया है, और इस तरह से हम बाकी सारे खस्ते भी बेल कर तैयार कर लेंगे। और अब चलते हैं हम इनको फ्राई करने के लिए। तो फ्राई करने के लिए मैंने गैस पर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है कढ़ाई में। ऑयल को हम मीडियम हॉट कर लेंगे और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा डो ऑयल में डालकर देखा है, तो डो बहुत ही धीरे धीरे से फूल कर ऊपर आ रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही फ्लेम हमको चाहिए और इतना ही गर्म ऑयल चाहिए। तो बस अब हम गैस की फ्लेम को लो रखते हुए जो हमने खस्ता बनाकर तैयार किया है वो हम ऐड कर देते हैं ऑयल में। बिल्कुल हल्के हल्के से बबल आ रहे हैं, आप देख सकते हैं जिस तरह से हम कचौरियाँ तलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमको खस्ता फ्राई करना है। और अब हम फ्राई होने देंगे और लगभग 30 से 40 सेकेंड बाद हम इसको टर्न करेंगे, जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा। तो जो खस्ता है वो थोड़ा सिक चुका है, अब हम इसको सावधानी से पलट देंगे। तो ये पलट दिया मैंने, अब हम दूसरी साइड से भी इसको सिकने देंगे वही 30 से 40 सेकेंड तक। और अब हम खस्ते को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन सेकेंगे। इसके लिए हम गैस को लो मीडियम कर लेंगे, अभी हमने बिल्कुल लो रखा है गैस, अब थोड़ा सा बढ़ा देंगे हम गैस को और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम सेकते रहेंगे। तो ये देखिए हमारा खस्ता सिककर तैयार हो गया है, कितना बढ़िया कलर आया है और एकदम क्रिस्पी हो गया है। तो ऐसे ही हम सारे खस्ते फ्राई कर लेंगे। और अब जो हमारी मटर है उसमें हम थोड़ा तड़का लगाएंगे। तो एक पैन में हम 2 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून ग्रेट किया हुआ अदरक या फिर अदरक का पेस्ट ले लें आप, थोड़ा सा भून लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून बेसन। बेसन से क्या होगा कि ये जो मटर
आपकी जो ग्रेवी है इसमें थिकनेस आएगी और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। और बेसन को हम भून लेते हैं लगभग 30 से 40 सेकंड के लिए लो फ्लेम पर। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी हमने मटर में भी डाली है तो हम कम ही डालेंगे। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। थोड़ा सा भून लेते हैं, गैस की फ्लेम को लो रखें नहीं तो सारे मसाले और बेसन जल जाएगा। और जो मटर हमने बॉईल की थी तो वो सारी मटर हम इसमें ऐड कर देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे सारे मसालों के साथ मटर को और ढक कर हम लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि सारे मसाले और मटर अच्छे से मिक्स हो जाएं और मटर में अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई हो पकने में तो अच्छे से पक जाए। तो जो मटर है वो रेडी हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल 1 पिंच के लगभग गरम मसाला ताकि बिल्कुल हल्का सा फ्लेवर आए गरम मसाले का, इससे बहुत टेस्टी लगेगी हमारी चाट। और बस मिक्स कर देंगे और अब हम चलते हैं प्लेटिंग करने के लिए। तो मैं यहाँ पर प्लेट में ही प्लेटिंग कर रही हूँ। अगर आपको चाट का पूरा मज़ा लेना है तो आप दोनों में भी प्लेटिंग कर सकते हैं। तो जो खस्ता हमने बनाया था उसको हम तोड़कर रख लेते हैं प्लेट में। तो ये देखिए, आप आवाज़ सुन सकते हैं कितना क्रिस्पी हमारा खस्ता बनके तैयार हुआ। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब जो मटर हमने बनाकर तैयार की थी वो मटर हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बिल्कुल 1 पिंच लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 पिंच नमक ऐड करेंगे, 1 पिंच काला नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला। और इमली की मीठी चटनी के बिना तो चाट में मज़ा ही नहीं आता है, तो बस हम थोड़ी सी इमली की मीठी चटनी ऐड करेंगे। तो बस हमारी बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी चाट बनके तैयार हो गई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो मैं फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंजॉय द रेसिपी। बाय बाय एंड टेक केयर।